अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद कदीर रफानी ऑटो लाहौर से। कि भाई मेरे पास लेके आए गाड़ी कोरे, इसकी लोकल जो एवरेज है कोई 8-9 होगी मेरे ख्याल में। फ्यूल ज़्यादा खड़ी, लॉन्ग पे 12 कह रहे हैं। लॉन्ग पे कितनी एवरेज है? लॉन्ग पे 11-12 कह रही है। लॉन्ग पे 11-12 कह रही है। इस गाड़ी का ये जो फाल्ट है, कारपेट के अंदर फाल्ट है, इसके टैबलेट, इसके डिस्ट्रीब्यूटर, वैकम पैप, सारी सेटिंग करके इनको टैबलेट ऊपर करके देंगे इंशाल्लाह। डिस्ट्रीब्यूटर इलेक्ट्रॉनिक है। अभी खोल दें कारपेट, इसकी सेटिंग आपको दिखाता हूँ। ओके, ये मोहसिन भाई गाड़ी लेके आए थे मेरे पास, ये ड्राइव कर रहे हैं। कारपेट टैबलेट इनके काफ़ी फॉल्ट था छोटा मोटा कारपेट के अंदर। हाँ जी मोहसिन भाई बताएँ जरा आप। हाँ जी, काफ़ी बेहतर हो गई है, पिक भी बेहतर है गाड़ी की, और फ्यूल एवरेज है वो इंशाल्लाह बेहतर होगी। अब चलाएंगे तो पता लगेगा इंशाल्लाह। गाड़ी चला रहे हैं, इनको गाड़ी चलाने का मज़ा आ रहा है इंशाल्लाह। गाड़ी का पिकअप सही होगा तो इंशाल्लाह एवरेज भी बेहतर हो जाएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे पेज है रफानी ऑटो के नाम से। ओके, अल्लाह हाफिज़। साढ़े 800 सीसी वाला कार्बोरेटर है। ये भी खोल दें, ये भी खोल दें, ये जाता है। ये इंशाल्लाह सफाई करके फिटिंग करते हैं इंशाल्लाह ताला। जेट सही लगा हुआ है, जेन्युइन लगा हुआ है, 102 नंबर का इसको होता है, बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, सही है। जैक मारी जाए, बटरफ्लाई भी ठीक है इसकी। सर्विस करके ये करते हैं इसको, हरा मिलते हैं तो बोल रहा हूँ। इसके टैपर टूपर भी करते हैं, इसके प्लग भी देखते हैं। वाली सिलाई की फिटिंग भी सही नहीं की हुई किसी ने ना, इसके अंदर धागा लगा लगाया हुआ है इसको, ये भी ठीक नहीं है। जब भी ठीक है इसको सर्विस करते हैं, इसका मिक्सर भी खोलता हूँ। ये नीचे भी इसका अपना लगा हुआ, इसकी सफाई करते हैं, सेटिंग करते हैं इंशाल्लाह। करते हैं टैपर करते हैं, रिसिप्ट भी देखते हैं अभी सारी लोगों में सर्विस करके फिर फिटिंग करते हैं। जेट इसका यही फिट करेंगे, जेन्युइन बटरफ्लाई भी इसकी ठीक है। ये सिलाई जेट मूव नहीं था, इसका भी कर दिया मैंने पावर जेट, ये वाला ऑन कर दिया ठीक है। स्लो जेट लगाएंगे, सारी फिटिंग करके मुकम्मल करके ना अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करके आपको चेक कराता हूँ कि इसके अंदर जो फॉल्ट था ना गाड़ी के अंदर, जो काम नहीं करी कर रही थी सही, इसका पावर जेट सही नहीं था, इसकी सिलाई ठीक नहीं थी, वो मैं अभी इसकी सर्विस करके सारा कुछ सेटिंग कर दी है इंशाल्लाह। अभी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ ठीक है इंशाल्लाह। पिकअप भी इसके वैकम पैप भी गलत है, अभी इसके टैबलेट भी करके चेक करवाता हूँ, अभी फिटिंग करता हूँ कारपेट मुकम्मल करके ना। अभी मैं जेट लगाने लगा उसका, ये वाला फिटिंग करके करूँगा। ये वाली जो जाली कंपनी ने लगाई हुई ना अक्सर टूट जाती है, ये जाली जो लगी हुई है तो इसको बचा लें। ये कभी भी स्लो जेट में कचरा नहीं आएगा आपकी गाड़ी में, कभी भी स्लो जेट में कचरा आएगा। इसके छोटे छोटे सराख कितने हैं ये आप ख्याल रखें, बस इसको बचा लें, बचती है तो ज़्यादा जोर नहीं लगाना, हल्का सा बस स्टार्ट करना।
देखिए कार्बन लगा कार्बन की फिटिंग लगा लगा या फिट कर कार्बन सारा खत्म हो गया। ये टैबलेट का भी फोन फिट कर दें टैबलेट इसके बंद है को टायर एंड टैबल गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट है, स्मूथ है, स्टिल है, कारपेट वैक्यूम पैप हर चीज़ परफेक्ट कर दी। टैबलों में अंदर फर्क था, इससे कारपेट के कार पावर जेट की सिलाई का वैक्यूम पैप का फॉल्ट था। ये सारा कुछ कर दिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज और फानी आदि का नाम। ओके, अल्लाह हाफिज़।